hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज एक बहुत ही special दिन है, बहुत ही exciting दिन है, क्योंकि आज मैं हूँ Ireland में. And Ireland में मैं खड़ा हूँ Biotech की factory के सामने. And Biotech company is very close to my heart because मेरे कितने सारे patients आज बिना चश्मे के देख पा रहे हैं क्योंकि बायोटेक कंपनी एग्जिस्ट करती है. एंड याद है अभी कुछ टाइम पहले मैंने -32 का चश्मे का नंबर हटाया था एक लड़की का, जिसके लिए हमें लिम्का रिकॉर्ड भी मिला है. वो पॉसिबल सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज बायोटेक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है इतने हाई नंबर का फेकिक IOL डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो आज मैं हूँ रॉसकॉम में एंड पूरे फैक्ट्री का एक टूर देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि आंख के जो लेंसेज होते हैं, मोतियाबिंद के लेंसेज या फेकिक IOL जिनको हम चश्मा हटाने के लिए यूज़ करते हैं, उन लेंसेज को कैसे मैन्युफैक्चर करा जाता है. एंड दिस फैसिलिटी इज USFDA-approved. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह के स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा जाता है एक क्वालिटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. Hi Eric, how are you? The honor is mine. Absolute welcome in the island. Absolute pleasure to see you. Great. And I have Eric with me here today who's helping me out with the factory tour. And Eric, excited, and shall we start? Absolutely. Let's shall go. We go? Let's go. Go ahead. अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इस लेंस को मैन्युफैक्चर या कैसे बनाया जाता है. तो ये सारा प्रोसेस शुरू होता है एक बटन से. ये बटन वो मटेरियल है जिससे लेंस को बनाया जाएगा. फर्स्ट स्टेप जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हम लोग कहते हैं लेथिंग. लेथिंग में क्या होता है कि इस बटन पे ये जो मशीन है ये एक प्रोसेस से इसमें कार्विंग करती है और इस बटन को लेंस की जो फर्स्ट शेप है वो देती है. तो जब इसको हम लोग इस मशीन में डालते हैं, सो इस तरह का आप देख रहे हैं इसमें कैसे अलग से बीच में लेंस बना हुआ है, इस तरह का फर्स्ट स्टेप होके कंप्लीट हो जाता है. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इस मशीन पर करा जाता है. तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो लेथिंग मशीन थी. लेथिंग मशीन में हमने क्या करा कि जो ओरिजिनल बटन था उसको लेथिंग के प्रोसेस से एक लेंस का शेप दे दिया. तो ये फर्स्ट स्टेप है. अब जो सेकंड स्टेप होता है उसको कहते हैं मिलिंग. मिलिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो हमने लेंस की शेप दे दी, अब इसको मशीन जो है काट कर फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकालता है. तो ये आप देख सकते हैं मिलिंग के बाद जो फाइनल लेंस है वो कट के हमें मिल जाता है. लेकिन अभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ. अभी इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसको कहते हैं पॉलिशिंग. सो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉलिशिंग वाला प्रोसेस है. सो पॉलिशिंग से बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो फाइनल लेंस निकला, जो मिलिंग के प्रोसेस से हमने फाइनल लेंस को काट के निकाला, अब उसका पॉलिश करके जो उसकी सरफेस है उसको स्मूदन आउट करा जाता है. तो ये मशीन जो है इसमें पॉलिशिंग का प्रोसेस करा जाता है. तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें कुछ बॉटल्स हैं जो रोटेट हो रही है. तो बेसिकली क्या करा जाता है, इन बॉटल के अंदर कुछ बीड्स डाले जाते हैं और उन बीड्स के साथ लेंसेस को मिक्स कर दिया जाता है और फिर 4 दिन तक इन बॉटल्स को रोटेट कराया जाता है और फ्रिक्शन के प्रोसेस से लेंस की जो सरफेस है वो स्मूद हो जाती है. एक बार ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो होता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, जहाँ पे ये देखा जाता है कि लेंस का जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया अब वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, पावर परफेक्ट है,
शेप परफेक्ट है, साइज परफेक्ट है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर चेक करा जाता है। सो अब डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे ये इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद लेंसेज को नेक्स्ट स्टेप पे लाया जाता है, यहाँ पे वो स्टेप करा जाता है, सारी चेकिंग इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन होती है, और जब फाइनल प्रोडक्ट अब रेडी हो गया, वेरीफाई हो गया कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसको स्टेरिलाइज करा जाता है। तो स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि अब इस लेंस को प्रॉपरली क्लीन करा जाएगा, इसकी सरफेस पे कोई भी कंटामिनेंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन सबको किल करा जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है डिफरेंट टेक्निक से करा जा सकता है, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन भी होती है, ऑटोक्लेविंग भी होती है, तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं इस स्टरलाइजेशन को अचीव करने के लिए। अब स्टरलाइजेशन के बाद ये प्रोडक्ट जो है उसकी पैकिंग होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे ये पैकिंग वाला स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो अब एक बार स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर लेंस को अब पैक करा जाता है। तो पहले लेंस की एक बेसिक पैकिंग होती है और उसके बाद डब्बे में विद प्रॉपर लेबल्स एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ एक फाइनल पैक रेडी होता है और उस पैक को फिर फाइनली सील करके स्टॉक में रख दिया जाता है, इन्वेंट्री में रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी ऑर्डर आता है, फिर वहां से इन्वेंट्री से लेंस को निकाल के आगे शिप कर दिया जाता है। सो पैकिंग के बाद अब सारे लेंसेज आ जाते हैं वेयर हाउस में। तो अभी हम खड़े हैं वेयर हाउस वाले एरिया में और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैक ऑन स्टैक ऑन स्टैक ये सारे लेंसेज हैं जो पूरे वर्ल्ड में अब सप्लाई होंगे।